गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं एक पेशेंट है हमारे पास जो बिहार से आए हुए हैं और उनका पफी निपल का ऑपरेशन कर रहा हूँ। पफी निपल क्या होता है वो आज मैं आपको दिखाता हूँ एजुकेशनल कंटेंट में। तो ये जो है कम्प्लीटली थीन एंड लीन बॉडी है, उसमें ये जो कंटेंट है ये पफी निपल है। इससे साइकोलॉजिकली पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है पफी निपल से। इसमें ग्लैंड 100% ग्लैंड होता है। आप कितना भी जिम करोगे, डाइट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ये पोर्शन उनका कम नहीं होगा। और ये साइकोलॉजिकली जब प्रोजेक्टिंग होता है तब पेशेंट को साइकोलॉजिकली बहुत ही खराब लगता है। सो ये पफी निपल है। पफी निपल जो होता है उसको ग्रेड वन गायनेकोमेस्टिया भी बोल सकते हो। और इसके अंदर ग्लैंड बढ़ता है जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस से बढ़ता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण ब्रेस्ट ग्लैंड है वो बड़ी होती है। और इसके कारण जो पेशेंट को है वो बाहर टी शर्ट जो पहनते हैं उसमें जो बाहर टाइटनिंग जो दिखता है, जो निपल बाहर प्रोजेक्शन दिखता है, उससे अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली हमारे लिए पेशेंट है बिहार से आए हुए हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। 30 मिनट का काम है ये, कितना भी करोगे जिम डाइट एक्सरसाइज से जाता नहीं है। इसका एक ही ऑप्शन होता है, या आदमी सोचना छोड़ दे या आदमी प्रोसीजर करा ले। पेशेंट 30 मिनट में नॉर्मल होगा, 4 घंटे में बिहार जा सकता है। कल सुबह से अगर जब भी वो पहुंचे तब से वो पेशेंट खुद का अपना जॉब है, मजदूरी है, जो भी काम करता है वो चालू कर सकता है। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक ड्रॉप भी ब्लड का नहीं निकलता है, 0 स्कार टेक्निक से करते हैं, कोई फॉलोअप नहीं, कोई ड्रेसिंग नहीं, कुछ नहीं, और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो हमारी टीम का कॉन्टेक्ट करो। यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा गायनेकोमेस्टिया हम करते हैं, 0 स्कार से 3500 से ऊपर सर्जरी कर चुके हैं, एंड इसीलिए पूरे वर्ल्ड से लोग हमारे पास आते हैं। तो ट्रैवलिंग को कंसिडर मत कीजिए, जहां पे बेस्ट है वहां पे ट्रीटमेंट कराइए। बिकॉज डू इट वंस, एक ही बार कीजिए, बट डू इट राइट, सही से कीजिए, जैसे तैसे अपनी बॉडी को मत दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जिसको भी गायनेकोमेस्टिया आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिससे ये एजुकेशनल कंटेंट हम दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी एजुकेशनल चीजें आप पा सकते हो। थैंक यू सो मच।